हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट का कॉम्बो है, जिसमें दोनों ही चीजें हम देखेंगे। सबसे पहली बात, यहां पे लिखा हुआ नेम ऑफ स्टूडेंट, तो अगर आपको इसे हिंदी में लिखना है इसी के ठीक बगल में, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए कि अगर हिंदी में लिखना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम कोई फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, क्या इसमें कोई फॉर्मूला है या कोई इस तरह की चीजें हैं जिससे हम इसे हिंदी में कन्वर्ट कर पाए। तो फिलहाल तो 2007 में कोई ऐसा फॉर्मूला हमें मिलता नहीं है जिससे हम इसे हिंदी में कन्वर्ट कर पाए। अगर आपके पास गूगल इनपुट टूल्स की व्यवस्था है उसमें आप हिंदी में जाकर के यहाँ पर टाइपिंग जरूर कर सकते हैं, रानी, ये लिखा रानी, तो ये इस तरीके से आ जाता है, समझ रहे हैं बात को, तो ये रानी आ जाएगा। लेकिन हमें तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल होगा, फॉर्मूला इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूं आपको। गूगल शीट ओपन कर लीजिए। अब गूगल शीट में यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक डेटा पड़ा हुआ है, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये नेम सेम है, देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेल में भी वही नाम है, ठीक है, और यहाँ पर इसमें गूगल शीट में भी वही नाम है। तो गूगल शीट में एक बना बनाया फॉर्मूला आपको मिल जाता है गूगल ट्रांसलेट का, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, गूगल इनपुट टूल्स का यूज किया तो इसको हटा देता हूँ, यहाँ से इंग्लिश इंडिया कर देता हूँ। और अब यहाँ गूगल ट्रांसलेट, तो ये गूगल ट्रांसलेट लगाया हमने और यहाँ पर उस नेम को सेलेक्ट करेंगे जिस नेम को हमें कन्वर्ट करना है हिंदी, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर इंग्लिश का कोड टाइप करेंगे क्योंकि ये लिखा तो इंग्लिश में हुआ है और यहाँ पे हिंदी का कोड, तो हिंदी का कोड एच आई होता है, तो यहाँ पे ये टाइप किया। अगर आप उर्दू में चाहते हैं तो यू आर टाइप कर सकते हैं, उर्दू में ये हो जाएगा। एंटर करेंगे, आप देखेंगे ये जो है हिंदी में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से ड्रैग करवा दीजिए, सारे के सारे हिंदी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं सारा ही हिंदी में कन्वर्ट हो गया। अब आपको खाली करना क्या, यहां से उठाना है, इसको कॉपी करना है और ला करके यहाँ पेस्ट कर देना है, ये जो है ना यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए इसको। तो देखेंगे ये भी हिंदी में कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं कैल्क की, तो ये कैल्क भी हमारे पास ओपन है, यहाँ पर भी सेम नाम देख रहा है से ये, और वापस से क्या करेंगे यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, जो नेम हमने लिया था उसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये हो गया, ओके। तो ये आपकी बात समझ में आई होगी गूगल शीट कितना यूजफुल है, ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।